हाई टेंशन के तार के चपेट में आगे से एक किशोर गंभीर रूप से झुलस गई बा। ऊपर से तार टूट गई देह पर गिरल फेंकलन जो आग भी लागे वो आज से ना 25 साल 50 साल पुराना वायर हो तार पोल भी टूटल बा। एमे बिजली विभाग के बहुत ही लापरवाही बा। बहुत गए थे मिठाई खरीदने तो दुकान बंद था इसीलिए चल रहे थे तो गिर गया तार तो पैर में लिपटा गया तो हम बेहोश हो गए वहीं पे। बच्चा के अगर मर जाता तो क्या होता? किसी तरह लेके भागे हैं गरीब बुरा आदमी। ठीक है, इलाज के लिए अभी गोरखपुर लेके जाना पड़ेगा। कॉल करके गाली दे के हम लोग बुलाए उन लोगों को, तब वो आई अब बोल रही कि अपना सुरक्षा, हम अपना सुरक्षा कैसे करें? तारी सब खराब है तो अपना सुरक्षा हम लोग कैसे करें? नमस्कार, उदयतन झलको गोपालगंज। हम राजेश भरकुइया गाँव से मामला सामने आये बा जौन बरौली विधानसभा पड़ेला और माझा थाना, जहाँ हाई टेंशन के तार के चपेट में आगे से एक किशोर गंभीर रूप से झुलस गई बा। किशोर जन बा की गंभीर अवस्था में जब इलाज सदर अस्पताल में चलता और परिजन के आरोप बा की बिजली विभाग के लापरवाही बा। किशोर जन बा जब खड़ा रहा इस दौरान तार टूट गई और किशोर के शरीर पर गिर गई। इस घटना के लेकर जानकारी लवे ली कैसे बिजली विभाग के लापरवाही बा, कैसे का भैल? रोड पर खड़ा रहन दुकान के पास, ठीक बा, ऊपर से तार टूट गई देह पर गिरल फेंकलन जो आग भी लागे वो आज से ना 50 साल 50 साल पुराना वायर हो तार पोल भी टूटल बा। एमे बिजली विभाग के बहुत ही लापरवाही बा। बहुत ये जो गोपालगंज का डीएम कलेक्टर जो भी है ना, ये कोई इधर मैंने इसका जांच उन लोग का कराना चाहिए। और मैं तो सीधे कह रहा हूँ, ये बच्चे का जिंदगी चला जाता तो कौन इसका जिम्मेवार होता? ठीक है, ये बच्चा के अगर मर जाता तो क्या होता? किसी तरह लेके भागे हैं गरीब बुरा आदमी। ठीक है, इलाज के लिए अभी गोरखपुर लेके जाना पड़ेगा। गोरखपुर रेफर कर रहे हैं, क्या किया जाएगा? हम वो कर रहे हैं कि कुछ मुआवजा इनको मिलना चाहिए। मुआवजा मिलना चाहिए तो बिजली विभाग के माने लापरवाही कैसा बा? बिजली विभाग के बहुत लापरवाही है। वाज से नहीं सर, चारों ओर का वो वायर जो है चेंज हो गया है। अभी तक वहाँ का वायर चेंज नहीं हुआ है। वो हाई टेंशन तार के कम से कम पीवीसी वायर का डाला जाए, केवल डाला जाए। बहुत लापरवाही है बिजली विभाग के। ऐसे क्या घटना हो गई? भड़कुइया लड़का एगो गुमटी पर खड़ा रहल, तार ऊपर से टूट के गिर गई, चपेट में आ गई, आग लाग लागे पूरा आग लागे। हाँ, पूरा आग लागे वहाँ। वहाँ पूरा धान उन बहुत अक्षति बा। आई खाली बिजली विभाग के कमी बा। अनु स्कूल के बगल से तार गई बा, ओमे ना पाइप डालल बा ना केबल डालल बा, घर के ऊपर से तार गई बा मेन रोड पर। अनु 11,000 आ वही पर गवर्नमेंट कुछ नहीं करत ना बिजली विभाग कुछ करती है। यानी स्कूल तर लागल बा उतार तो आए दिन मान ले कि यह बड़ा हादसा हो सकता है स्कूल में। बच्चा स्कूल पर चढ़ के अगर हाथ बढ़ावा दे रहे तो उतार मिल जाए। अनु ओकर फोन भइल त के काटे के लाइन ना रहल, बिजली ऑफिस में फोन करने पर बोलो लाइट नहीं काट रहे, फोन नहीं उठा रहे हैं। एक सबसे बड़ा कमी ये है कि अगर इमरजेंसी में और कोई भी फोन कर रहे हैं बिजली ऑफिस में तो कोई फोन नहीं उठा रहे हैं। किए थे हम लोग 10 कॉल किए थे, 10 कॉल कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। ठीक है, वहाँ पे गए थे बिजली ऑफिस में, जब तो वहाँ पे जे साहब जो है ना वो भी झूठ बोल रहे थे। ठीक है, जो वहाँ पे कट आउट करता है लाइट वो भी भाग गई थी लड़की। ठीक है, कॉल करके गाली दे के हम लोग बुलाए उन लोगों को, तब वो आई अब बोल रही कि अपना सुरक्षा, हम अपना सुरक्षा कैसे करें जब वो सलाह खराब ही है तो खराब हो जा वहाँ पे, जब तारी सब खराब है तो अपना सुरक्षा हम लोग कैसे कर रहे हैं बताइए कि जबकि अब वहाँ पे सब जब सही नहीं करेगा बिजली ऑफिस वाला, जब हम लोग कॉल नहीं उठाएगा, 10 कॉल किया, दोबारा रिटर्न लाइट गया था, फिर दोबारा रिटर्न क्या करता हो जा? नहीं, गए थे मिठाई खरीदने तो दुकान बंद था इसीलिए चल रहे थे ना तो गिर गया तार तो पैर में लिपटा गया तो हम बेहोश हो गए वहीं पे, तो उसके बाद हमको कुछ नहीं पता है। देखिए, बिजली विभाग के लापरवाही सामने आया था। हम वहाँ को वार्ड सदस्य है, वार्ड नंबर 14 की। आज 40 साल 50 साल पहले से वो पुराना तार है। आज जाके देखिए पूरा तार सब नो गया है, पूरा तार नो, पोल जितना है नो गया है, वो टूट कर गिरा है रोड पर और लड़का को जाकर लगा है, उसके बगल में जितना धान है सामने जला हुआ है, वही कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आप सुनवाई कीजिए, सब नौनो गया है। 40 जानकारी नहीं दिले वार्ड है तो एक जानकारी घटना आज भैल एक पहले आवाज उठेल। आज जितना बिजली ऑफिस का पैसा लेने के लिए सब लोग जा रहे हैं कि हमारा बिल दीजिए उसके बाद उसको उस आँख से नहीं लोग रहे हैं, नहीं लोग रहे हैं। पहले कब आवाज उठेले मैंने घटना हुआ तब ना आवाज उठा रहे हैं, आँख से नहीं लोकता है। सब तो जाकर पैसा लेके बिजली वाला लेके चले जाता है, उसको आँख से नहीं लोक रहा है। सारा पोल नो गया है, पुराना 40-45 साल का तार हुआ है। गाँव में इतना जर्जर तार देखा, पहले कब आवाज उठेला नहीं तार बदले के? हाँ, वो कोल्हुआ से जो हम लोग को वो मोड़ पर से तार गया है, पत्थर लगा है, पत्थर में कोई नोट बोल्टू नहीं है। हम माना किए थे जो उसमें नोट बोल्ट कसल नहीं है ना, उसको कसिए वो नौ के लड़ जाता है, वहाँ से तार कट के गिर जाता है। आ कोल्हुआ के लोग आके जबरदस्ती उसको जोड़वा देता है, कोई नहीं बोलता है। कोल्हुआ के लोग अपने दबंग लोग हैं, कोई नहीं बोलता है, वो जोड़वा देता है लोग
और लाइन चालू हो जाता है, फिर भले कुछ भी हो उससे कुछ मतलब नहीं है किसी का। तो जनवा की माझा थाना के अंतर्गत रहे वाला भड़कुइया गांव के ददन शर्मा के लड़का बड़े बंधन शर्मा, फिलहाल यह इलाज चलता, लेकिन परिजन का नाम बा कि एजक से चिकित्सक द्वारा बेहतर इलाज खाती रेफर कर गिल बा। फिलहाल जनवा की परिजन के आरोप बा कि बिजली विभाग के जन लापरवाही बा, उ लापरवाही से बिजली विभाग अभी भी नहीं जागत। ये वीडियो रुवा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, वीडियो रुवा यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम देख के मिली, धन्यवाद।